हाथ परत रहे थे तो बिजर की पेशानी से पसीना टपक रहा था। जिहालत की जबी अपने आलोक की अल्फाज के जेरो बम और जुमलों की रानाइयाँ आगोशी नाबत में है छोले खा रहे थे। दोस्तों देखने में तो बहुत दुबले पतले हैं लेकिन इनकी आवाज इतनी मजबूत कि अगर कोई शख्स कुएं में जाए तो इनकी आवाज की रस्सी से कुएं के दहाने तक पहुंच सकता है। दोस्तों दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इस अजीम खतीब की खिताब पर हम लोग को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए जिंदगी पैदा कीजिए। आप देख रहे हैं अखलाक के बाहर पीर कामिल शेख कामिल हजरत अल्लामा हुजूर बाबू सईदैन जिया साहब कबीला खान का है फरीदिया, सज्जादा रशीद खान का है फरीदिया, जोगिया शरीफ को चेहरे तो बहुत है लेकिन चेहरे का जवाब नहीं, आंखें बहुत हैं लेकिन आंख का जवाब नहीं। मैं तो कहूंगा कि सईदैन मियां से जिसको भी निस्बत है दोस्तों अपने पीर के चेहरे को देखिए ईमान में ताजगी आ जाएगी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सईदैन मियां से जिसको भी निस्बत है दोस्तों वो जर्रा सी जगह है वही आस्था है। पीरों की जहां में कमी तो नहीं मगर सब में हमारा पीर बहुत लाजवाब है। सब में हमारा पीर बहुत लाजवाब है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हजरत को उम्र सिदरी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की जिंदगी में बहाय अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के फैज को फैज़े आलमगीर फरमाए। अब जिंदगी पैदा कीजिए सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अपने पीर के चेहरे को देखिए रात कहीं कहीं तो ऐसा होता है घंटों घंटों का इंतजार करना पड़ता है इनके चेहरे के दीदार के लिए। आज आप अपने पीर के चेहरे के दीदार कर रहे हैं बड़े खुशनसीब हैं। सुन्नी जन्नती मुसलमान आइए अपने प्यारे रब का प्यारा वजीफा पढ़ लीजिए पूरा मजमा बुलंद आहंगी से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह किसी रिश्तेदार या रिलेटिव का नाम नहीं सुभान अल्लाह पढ़ेंगे आपकी जुबान साफ होगी दिल साफ होगा रूह को ताजगी मिलेगी फरहत नसीब होगा कब्र में सुकून मैसर होगा। सुभान अल्लाह बोलने का पूरा पूरा सवाब मिलेगा। सवाब की नियत से पूरा मतलब बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रात आपको कहीं कॉल करना हो और कहीं कॉल करना हो आपने कोड नंबर नहीं डाला तो पूरी रात कंप्यूटर और मोबाइल से ही आवाज आएगी कृपया नंबर जांच लें। मेरा भी एक कोड है मैं बोलते बोलते रुक जाऊँ आप बोल देंगे सुभान अल्लाह। मैं स्टार्ट हो जाऊँ आप चालू हो जाएंगे। अगर मेरी बात आपके जहन तक उतर गई है आपकी समाधि तक पहुँच गई है तो आपकी अच्छी समाधि तक एक शेर लेकर पहुँचता हूँ माँ के ताल्लुक से। कपिल रहमान साहब कह रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के लाडले बेटे एक हाथ माँ के नाम से एक हाथ अपने बाप के नाम से उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये नियत से बोलिए कि अगर माँ जिंदा है तो उनकी उम्र में बरकतें हो जाए अगर वो कब्र में जा चुकी है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कब्र में राहत नसीब फरमा दे। ये नियत लेकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माँ के दामन से शेर सुनेंगे कितने दीवाने हैं सुनने के लिए तैयार आप उठाकर बताइए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती कि माँ की दुआ सरकार की मौजूदगी में शेर सुने लेते हुए और लेते हुए बगर से इस्लाह शेर पढ़ने जा रहा हूँ। बच्चा है मैं दुआ है अगर दुआ करेंगे तो जिंदगी में मेरी भी बहारें हो जाएगी। अब शेर सुनिए कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती माँ की दुआ। अरे माँ के दांत ले बेटे माँ के नाम पे बोलिए दुआ माँ की दुआ। माँ दुआ करती तो कदम पता कि आप एरोप्लेन से सफर करेंगे ट्रेन पर सफर करेंगे बड़ी बड़ी मंजिलें आपको मिल जाएगी स्टेज पर बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें मौजूद हैं। इन लोगों को मर्तबा क्यों मिला उनकी माँ की दुआओं का सबका है। अल्लाह अल्लाह सबको माँ की दुआएं मिल जाएगी। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती उनकी बद्दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर तीन चार बच्चे को पाल ही लेती है बर्तन मांझ कर तीन चार बच्चे को पाल ही लेते हैं मगर तीन चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती मगर तीन चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ के ताल्लुक से के माँ माँ क्या है ममता की धोवर है प्यार की पागल है शब्दों का समंदर है। रब ने माँ को क्या दिया अब समाज दीजिए कि रब ने माँ को यह कमाल बोल दीजिए सब का नोट आ रहा है ये इस इलाके में सिर्फ सब का नोट चलता है क्या माँ की रब ने माँ को यह कमाल दी। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोल दीजिए रब ने माँ को यह कमाल दी उसकी दुआ से आई
बड़ी मुसीबत को टाल दी। कुरान ने माँ के प्यार की ऐसी मिसाल दी, अरे जन्नत उठा के उनके कदमों में डाल दी, जन्नत उठा के उनके कदमों में डाल दी। अल्लाह मैं बहुत दूर सफर कर लिया, ये मेरी आदत के खिलाफ है, लेकिन सूरत की मौजूदगी में बस एक दुआ मिल गई तो बोलता चला गया। आज के रात अब या उससे गुजारिश की जाए, हिंदुस्तान के नए नस्ल की उस मोहतरम शायर से गुजारिश की जाए जो अपनी शायरी के जरिए आपके पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से चल रहे हैं और इस जलसे के सुपर स्टार बनकर शोहरत की बुलंदियों को छूने जा रहे हैं। जिंदगी के तल सहकाई को अपने सुलझे हुए सोच और फिक्र का आईना दिखाकर हमारे जहनों को झंझोड़ते हैं उस शायर से मुराद शायर अहले सुन्नत। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसी बारगाह के पले हुए शहजादे से आप लोग नाम सुनने के लिए तैयार हो जाइए। शौकी तौफीक रहा जो बैक वक्त है वो मुखड़े होंगे लेकिन एक आवाज एक होगी, वो हजरत बाबू सालिक साहब की मिला के शहजादे हैं। बाकी के अल्लाह तबारक व तआला तमाम शहजादे की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। शौकीन और तौफीक रजा सल्लमहु आपके दरमियान आ रहे हैं। जिंदगी पैदा कीजिए पूरा मजमा, हाथ उठाकर जवाब दीजिए नारे तकबीर और मुस्कुराकर नारे तकबीर नारे रिसालत खान का है फरीदिया साहिबे सज्जादा हुजूर बाबू सैयदैन मियां क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। अब लोगों पे दोनों के नाक है, फैसला आप सबों के हाथ है। मुस्तफा का दुलारा है मुस्तफा का दुलारा मुस्तफा का दुलारा है पूजन अली मुस्तफा का दुलारा है पूजन अली मुस्तफा का दुलारा है पूजन अली मुस्तफा का दुलारा है पूजन अली। अब किया ऐसाने महमूदी नारे तकबीर जारी हुआ मोदिया सिलसिला जिस
से जारी हुआ मजबूदियाँ सिलसिला, जिससे जारी हुआ मजबूदियाँ सिलसिला, जिससे जारी हुआ मजबूदियाँ सिलसिला। जिनका हो तो रजा दोस्तों, है लकब जिनका हो